हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गरिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल गार्डन। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है पोर्चुला का, या पर्सलेन कहा जाता है इसे। दोनों वैसे एक ही फैमिली के सदस्य हैं। यहाँ पे ग्रैंडी फ्लोरा भी है, आप देख सकते हैं उसमें कितना बढ़िया मैजेंटा कलर का फ्लावर आया है। इसमें दो या तीन अलग अलग कलर के और भी हैं जो इसमें बढ़ रहे हैं। तो आप इस प्लांट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बुशी और खूबसूरत होता है, और मेरे ख्याल से गार्डनर के गार्डन में राज करने वाला ये एक पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ कुछ ये छोटे छोटे गुलाबों की तरह या ट्यूलिप्स की तरह भी दिखाई देते हैं। शायद यही कारण है कि इसे मॉस रोज़ या टेबल रोज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से जो कुछ फ्लावर हैं वो बिल्कुल ऐसे गुच्छों में दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब का फूल एक गुच्छे में खिला हो। वैसे गुलाबों वाले जो और भी गुच्छे थे उसमें बहुत सारे कलर मेरे पास हैं, पर आज लगता है उनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो चलिए बात करते हैं इसी पौधे के बारे में, इसकी केयरिंग के बारे में, कैसे लगाना है और कैसे इसे इतना घना बनाना है कि इसमें सैकड़ों फूल एक साथ आएँ। तो सबसे पहले अगर इसकी केयरिंग की बात करें तो इसे किसी खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब नॉर्मली रोज़ पे इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, हर चीज़ एकदम मेंटेन रखो, वरना प्लांट को कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें दिखाई देने लगता है प्लांट में। तो इस पौधे में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। साल में अगर दो बार आप इसे रिपोर्टिंग कर देते हैं तो ये पौधा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता और खिलता हुआ नज़र आता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें मैं किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ उस समय मैं काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में ही मिलाकर इसे दे देती हूँ। बस उतना ही काफ़ी होता है। और वाटरिंग की बात करें तो 2 से 3 दिन में अगर आप इसमें एक बार वाटरिंग करते हैं और सॉइल ड्राई रहती है तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ज़्यादा पानी देने पर या छांव में रखने पर पौधा बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत ही पत्तेदार वो दिखाई देगा और उसमें फ्लावरिंग भी कम होगी। वैसे ये वाला छांव पे नहीं रखा हुआ था, ये वाला छांव पे रखा हुआ था, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा पत्तियां आ रही हैं पर फ्लावरिंग बहुत ही कम हो रही है। शायद इसका कारण छांव ही है। और इस वाले में आप देख सकते हैं कि इसमें ओवर वाटरिंग के कारण कितनी ज़्यादा पत्तियाँ आ रही हैं पर फ्लावरिंग भी इसमें कम हो रही है। तो जितना आप कम पानी डालेंगे उतना ही पौधे में ज़्यादा आपको अच्छा असर और फ्लावरिंग होती हुई दिखेंगी। तो वाटरिंग करने से पहले आप सबसे पहले अपनी उंगली गमले में डालिए और मिट्टी को टच करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मिट्टी गीली है इसका मतलब आपको अभी पानी नहीं देना है, कुछ टाइम बाद पानी देना है। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी और ड्राई होती है बिल्कुल इस तरह से, तो फिर आप पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी मैं यूज़ करती हूँ जिसमें 40-50% सैंड होती है और बाकी 30-30 या 20-20% आपका कंपोस्ट और सॉइल होता है। वैसे मैं येलो सॉइल या गार्डन सॉइल का यूज़ करती हूँ। वैसे ये पोर्चुलाकास जो होती हैं वो किसी भी तरह के सॉइल में उग जाती हैं, पर एल्कलाइन हो सॉइल या थोड़ा सा ड्राई टाइप का सॉइल हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में मिला हो, यानी कि कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो फिर ये सड़ने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में इसे सूखे और कम ऑर्गेनिक मिक्सचर वाले सॉइल में उगाना ज़्यादा बेस्ट होता है। तो कैसे इसमें इतनी सारी फ्लावरिंग आपको करानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको इसे 4 से 5 घंटे मिनिमम तेज़ धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। यहाँ पे मैंने इसे छांव पर सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज़ से रखा है, और उसमें भी देखिए इसके फूल जो है थोड़े से नाराज़ लग रहे हैं, क्योंकि इसको पर्टिकुलरली ऐसा बड़ा सा खिला हुआ होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छांव पे रखा इसके फूल थोड़े से सिकुड़ गए और बंद होने लगे। तो इसे तेज़ धूप बहुत अच्छी लगती है, कम पानी अच्छा लगता है। नॉर्मली पौधों को अपोजिट चाहिए होता है कि थोड़ा कम धूप मिले, या तेज़ धूप है तो कम पानी, या ऐसा टाइप का कोई कंडीशन इसे चाहिए रहता है दूसरे पौधों को, पर इसे बहुत ही तेज़ धूप और बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। सेकंड, आपको इसे ऐसे बुशी बनाना हो तो आपको किस तरह का गमला चूज़ करना चाहिए। अगर आप यहाँ गमले के शेप को देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक वी शेप गमला है। अगर आप इस गमले की बात करें तो ये एक यू शेप गमला है और ये एक वी शेप गमला है।
तो वी शेप गमला इसके लिए परफेक्ट होता है क्योंकि उसमें कम से कम सॉइल जो होता है इकट्ठा होता है, ऐसे में पानी भी कम रुकता है और अच्छी ड्रेनेज के कारण कम पानी इसमें हमेशा जमा रहता है। और इस पौधे के लिए यही बेस्ट है कि इसे कम से कम पानी मिले, पर ज़रूरत के अनुसार पानी इसे मिलता रहे, क्योंकि ये एक सैकुलेंट है और सैकुलेंट्स अपने पत्तों में ऑलरेडी बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखे हुए होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप इन पौधों को एक्स्ट्रा पानी देते हैं तो वो सड़ जाते हैं। तो मिट्टी की बात तो हमने कर ही ली दोस्तों, साथ ही हम बात करते हैं इसे उगाने के बारे में। नॉर्मली मैं जितने वीडियोस में देखती हूँ लोग इस प्लांट को कैसे उगाते हैं कि 4-5 पौधे ले लिए, इसे बीच में ऐसे लगा दिया, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, और पानी डाल दिया। पर इससे क्या होता है, एक साथ रहते हुए पहले तो ये पौधे सड़ जाते हैं, अगेन इसमें जो गुच्छा बनता है वो उतना खूबसूरत नहीं बनता। तो आप जब भी इन्हें उगाएं आप 1x1 करके उगाएं, जैसे 4 आपने उगाए हैं तो 4 को अलग अलग उगाएं। और जैसे जब आपका पौधा बढ़ने लगेगा तो आप देखेंगे कि इन पौधों में कुछ बॉल स्पॉट्स बनेंगे, यानी वो स्पॉट जहाँ कोई भी पौधा आपको नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे खाली जगहों के लिए आपका ये आइडिया है कि जैसे कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा शूट है जो ज़बरदस्ती का घना कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा लदा हुआ दिख रहा है, तो उसमें से कोई ऐसा छोटा सा टुकड़ा तोड़िए और उस बॉल्ड स्पॉट को कवर कर दीजिए। तो ऐसे में वो जगह भी कवर हो जाती है और ये आपका जो पौधा है वो इतना ज़्यादा बुशी हो जाता है और उसमें खूब फ्लावरिंग होती है। लेकिन हर पौधे का एक एज होता है, ऐसे में क्या होता है कि जब पौधे में फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, और इतने छोटे पौधे में डेड हेडिंग पॉसिबल नहीं होता है, साथ ही ये काफ़ी समय बाद लेगी भी होने लगता है, तो ऐसे में बहुत ही अच्छा होगा अगर आप पौधे की थोड़ी थोड़ी छटाई कर दें। इससे इसमें नए ग्रोथ को प्रमोशन मिलेगा, साथ ही आपको नए छोटे छोटे इस तरीके से प्लांट मिल जाएंगे, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। तो ये आपको नए प्लांट्स तो दिलाएगा ही, और साथ ही साथ आपको इस पौधे को यानी कि बहुत ही बढ़िया और घना और बुशी बनाएगा। तो आप इस पौधे में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये बुशी दिख रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही पौधा है, इसमें जितने भी पौधे हैं उनमें से मैक्सिमम सिंगल पौधे हैं जिनमें से डालियाँ निकली हुई है। तो हर बार जब पौधा ऐसा घना होते जाता था तो मैं उसमें का डाल तोड़ देती थी और जो जगह खाली दिखता था वहाँ पर एक लगा देती थी। इसके दो फायदे हैं, पहला तो पौधा आपका बढ़िया घना हो जाता है, सेकंड जितने ज़्यादा पौधे होंगे पानी भी ये उतना ज़्यादा सोख पाएंगे और आपके गमले में कम से कम पानी रहेगा जिससे ये पौधे और हेल्दी रहेंगे। तो जो चीज़ इस पौधे को घना बनाती है वही इसकी हेल्थ को भी प्रमोट करती है, यानी कि इसका घनापन। तो आपका पोर्चुला का जितना घना होगा वो उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा क्योंकि पानी उसमें रुकेगा नहीं। तो आप इसे 6-6 महीने में रिपोर्ट कीजिए, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, कुछ की ज़रूरत नहीं है, और ये प्यारे प्यारे फूल सुबह से शाम तक ऐसे ही खिले रहेंगे। तो प्रूनिंग की हमने बात कर ली और मिट्टी में उगाने की बात कर ली, और एक और पौधा आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देसी वेराइटी है, या आप इसे जंगली वाला भी पर्सलेन कह सकते हैं। इसमें सिर्फ पत्तियाँ आपको नज़र आएंगी या बहुत ही छोटे येलो कलर के इसमें फूल नज़र आएंगे, और ये जो पौधा है ये एडिबल होता है और इसमें ओमेगा 3 और कई तरह के बहुत ही बढ़िया विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इनकी कढ़ी बनाई जाती है और वो बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये खाने लायक होते हैं या नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आप इसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। ये देसी वेराइटी है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, ये खूबसूरत नहीं दिखता, ये पत्तेदार दिखाई देता है, बट ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो आप इसे ज़रूर लगाएं, वेल ड्रेन का ध्यान रखें, बढ़िया धूप में कम से कम 5 घंटे रखें। ये वहाँ धूप में रखा हुआ था, अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसे लेकर आई हूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, साथ ही आपको मुझे ये बताना है कि कोई और टॉपिक इस प्लांट के बारे में छूट तो नहीं गया, तो हम उसे भी नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। और ये भी कवर करेंगे कि मेरे पास कितने कलर के पोर्चुला का हैं, क्योंकि अभी तो उनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगी हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो सी यू फ्रेंड्स।